खबर कोटा जिले से है, जहां शहर की बोरखेड़ा पुलिस ने मंगलवार को अंतर्राज्यीय कार चोर गिरोह का खुलासा करते हुए दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 10 कारों को बरामद किया है। बता दें कि इस संबंध में पुलिस अधीक्षक अमृता दोहन ने पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पिछले कई दिनों से इस चोर गिरोह द्वारा वारदातें करने की शिकायत पुलिस को मिल रही थी और यह आरोपी पुरानी कारों के चेचिस नंबर के आधार पर नए कागज बनवाकर लोगों को चोरी की कारों को बेचता था। पुलिस अधीक्षक दोहन ने बताया कि इस पर पुलिस उपाधीक्षक योगेश व सीआई राम लक्ष्मण की टीम ने कार्रवाई कर मुख्य आरोपी इमरान व सदम उद्दीन को गिरफ्तार किया है। पुलिस इन सबसे पूछताछ कर रही है, इनके अन्य बरामदी के प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले 2 महीने में लगातार कोटा शहर से ऑल्टो जो गाड़ी है वो चोरी की जा रही थी। अब तक लगभग 10 FIR हमारे विभिन्न थानों में दर्ज हो चुकी थी। इसी चीज़ को गंभीरता से लेते हुए टीम का स्पेशल गठन किया गया, जिसमें CO5 SHO बोरखेड़ा हमारी साइबर टीम, इनके द्वारा बहुत अच्छी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 10 ऑल्टो व दूसरी गाड़ी जो चौपहिया वाहन है वो बरामद किए गए। इनके विरुद्ध पहले भी मुकदमे दर्ज हैं, आपराधिक रिकॉर्ड मौजूद हैं। इनका जो मोडस ऑपरेंडी रहता था हमारे कोटा शहर में वो रहता था, अभी पिछले कुछ जो समय साया था शादियों का, तो जो मैरिज गार्डन है उसमें जो भी कोई ऑल्टो गाड़ी लेकर आता था ये उसको फॉलो करते थे। वो अंदर चला जाता था तो देखते थे कि अभी अंदर चला गया है, सेटल हो गया, शादी अटेंड करके ही बाहर आएगा, इसको समय लगेगा अभी बाहर आने में, और वो पीछे से उसकी ऑल्टो गाड़ी चुरा कर ले जाते थे। ऑल्टो गाड़ी वो चूज़ इसीलिए करते थे क्योंकि ये छोटी गाड़ी है, ग्रामीण क्षेत्र में आसानी से बिक जाती है। इनका मोटर सफरेंडी रहता था कि जो पुरानी ऑल्टो गाड़ियाँ होती हैं, बिल्कुल जो रद्दी के भाव आपको कबाड़ में मिलती है, उनको ये खरीदते थे। उनका इंजन नंबर, चेसिस नंबर ये निकालते थे और वो इंजन नंबर, चेसिस नंबर इन गाड़ियों में लगाते थे और उन्हीं की ही नंबर प्लेट को ये लगा के और उनका फिर बेचान करते थे, उन्हीं की RC वगैरह बना के उनका बेचान करते थे कि क्योंकि नंबर प्लेट और इंजन नंबर, चेसिस नंबर ये जो वापस इन्होंने तैयार की हैं गाड़ियाँ उसी की हिसाब से RC जो पहले थी फिर वो आगे बेचान करते थे। इस हिसाब से ये गाड़ियों की चोरी करके और उनको उनमें कूट रचना करके उनको बिल्कुल नया अलग से बना के और फिर आगे ये बेचान किया करते थे।